ये शूटिंग चल रही है अभय देओल और नेहा धूपिया की फिल्म 1:40 की लास्ट लोकल की। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर संजय खंडूरिया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने आखिरी लोकल मिस कर दी है और इस लड़के का किरदार निभा रहे हैं अभय देओल। ये एक एक्शन कॉमेडी है और इस फिल्म में मेरा नाम है नीलेश, वो कॉल सेंटर में काम करता है और उसकी लास्ट ट्रेन मिस हो जाती है जिसकी वजह से उसको ऑटो या टैक्सी पकड़नी पड़ती है, मगर उनकी स्ट्राइक है तो फिर वो अटक जाता है आउटसाइड इन द नाइट इन बॉम्बे। उस पर क्या बीतती है उस रात पर, उसको लेकर ये कहानी। अपनी ग्लैमरस इमेज से हटकर इस फिल्म में नेहा धूपिया निभा रही हैं एक मिडिल क्लास लड़की का किरदार जो प्यार करती है अभय देओल से। क्या होने जा रहा है 1:40 की लास्ट लोकल पर? ये जो फिल्म है एक रियल टाइम सिनेमा के बारे में बात करती है और ये कहानी है जो एक लड़के की जिसका किरदार निभा रहे हैं अभय, जिसका नाम है नीलेश, वो कैसे एक लड़की को मिलता है आफ्टर मिसिंग, दोनों की लोकल जब मिस हो जाती है कैसे मधु से मिलता है जिसका किरदार मैं निभा रही हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास लड़की है, और वहाँ से कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इस फिल्म को स्टार्ट टू फिनिश एक ही स्केड्यूल में शूट किया जा रहा है। हम स्टार्ट टू फिनिश कर रहे हैं और नेहा और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, डायरेक्टर के साथ भी केमिस्ट्री अच्छी है, हमारा काम अच्छा जा रहा है और इट्स ग्रेट वर्किंग स्टार्ट टू फिनिश, यू नो कोई ब्रेक नहीं आ रही, रुकावट नहीं आ रही है शेड्यूल में, तो वो जो मूड पकड़ा है हमने वो लेकर हम काम कर रहे हैं। अभय और नेहा ने ये फिल्म तो कर ली लेकिन नेहा ने खुद कभी भी लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया है और अभय को भी ट्रेन में सफर किए काफी समय हो गया है। ऑफ कोर्स बहुत सफर किया लोकल ट्रेन का एंड आई हेटेड इट, वो जो धक्के लगते हैं जिंदगी में ना लोकल ट्रेन से ज्यादा, आई मीन इट वॉज क्रेजी जो क्राउड होता है, और अभी तो क्राउड और भी खराब हो गया। मैं जब गया था क्या कुछ 3-4 साल पहले गया था एंड आई बिलीव कि अभी 3-4 साल में क्राउड भी और बढ़ गया है, धक्के भी और बढ़ गए हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, अगर मेरे को किसी ने धक्का मारा तो फिर मैं सीधा मुंह पे मारूंगा एक, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ लोकल ट्रेन पे। सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं बॉम्बे में 2 या 2.5 साल से हूँ और मैं एक बार भी लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ी, पर मिस करने का सवाल होगा ही नहीं, और इस मूवी को फिल्म आने के बाद तो मैं ये देखूंगी कि मैं 1:40 पर स्टेशन ना पहुँचूँ और 1 बजे पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कितनी मुसीबतों में पड़ जाते हैं लोग मिस करने के बाद ट्रेन। फिल्म के डायरेक्टर संजय का कहना है कि ट्रेन में सफर करने के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही उन्होंने इस कहानी का इंस्पिरेशन लिया। खुद का एक्सपीरियंस भी जरूर रहा है क्योंकि बम्बई में लोकल ट्रेन में जिसने सफर नहीं किया उसने जो है वो बम्बई की लाइफ जी नहीं, तो डेफिनेटली मेरे साथ भी हुआ है, लास्ट लोकल मिस हुई है मेरी भी, उसके बाद थोड़ी बहुत परेशानी, पर लेकिन जिन हालातों से नीलेश रस्तोगी जो हमारे कैरेक्टर का नाम वो निकलता है वो आप फिल्म में देखिएगा, यू विल एंजॉय दैट, उन हालातों से मेरे को नहीं गुजरना पड़ा। वैसे संजय ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के कई रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल किया है। इस फिल्म को दर्शक दिसंबर के आसपास देख पाएंगे।